हाउस कंस्ट्रक्शन जब हम लोग कराते हैं और पर्सनली अटैच होते हैं, और तुम्हारा एक सजेशन मेरा और है आप लोगों के साथ में जो मैं शेयर करना चाहूँगा कि इलेक्ट्रिसिटी की जो फिटिंग है, जो आप जिस तरीके से भी फिटिंग करवाना चाहें कराएं, जनरली होता क्या है कि जो आपका इलेक्ट्रिशियन है दैट विल सजेस्ट नंबर ऑफ पॉइंट्स, कुछ आपके फेवर में हो सकते हैं, कुछ आपके फेवर में नहीं भी हो सकते हैं, बट यू हैव टू एनालाइज एवरी पॉइंट वेरी केयरफुली कि भाई उसका रिजल्ट क्या होगा। अब काउंसिल आप देखें कि बाहर जो है आपका जो कैंटिलीवर होता है घर के बाहर का जो छज्जा है उसमें जनरली सजेस्ट करते हैं कि आप 3 लाइट लगाइए, 4 लाइट लगाइए या 7 लगाइए। आप 7 लगाएंगे तब कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 3 लगाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क इस चीज़ का पड़ेगा When at the last you will purchase the item, तब फर्क पड़ेगा कि आपने 7 यूज किए हैं या 3 यूज किए हैं। जब आपका मीटर रन करेगा तब थोड़ा सा फर्क पड़ेगा कि आपकी 7 लाइटें एक साथ चलती हैं और या 3 लाइटें एक साथ में चलती हैं, आप कितनी इलेक्ट्रिसिटी सेव कर सकती हैं, यहाँ फर्क पड़ेगा। जनरली एक रूम के अंदर आपकी 4 लाइटें सफिशियंट है, 4 लाइटों से ज़्यादा करेंगे तो आई थिंक कि अच्छा नहीं होगा। ऑप्शन रखिए वहाँ बल्ब का, ऑप्शन रखिए आप ट्यूबलाइट का, और ऑप्शन रखिए कोई भी वॉल फैंसी लाइट का। ये आपके माइंड के अपने ऑप्शन है कि आप किस तरीके से रखना चाहते हैं इन एडिशन टू दी जो रूम के अंदर लाइटें ली हैं। कैंटिलीवर में मैं अभी आपको बोल चुका हूँ, जनरली हम लोग स्टार्टिंग में ये करते हैं कि आप थोड़े थोड़े डिस्टेंस पर लाइट लगाइए, वो देखने में अच्छी लगती है लेकिन अच्छा बाद का रिजल्ट भी लगेगा। तो प्रिफरेबली आप देखिए कि 2 फीट्स पे रखा है या 3 फीट्स पे रखा है, दैट इज आल्सो गुड। बहुत ज़्यादा लाइटें, बहुत कम लाइटें भी अच्छी नहीं लगती, बहुत ज़्यादा लाइटें भी आपकी टॉप पे अच्छी नहीं लगती हैं। और कैंटिलीवर में जब आप लाइटें यूज कर रहे हैं एट द टाइम ऑफ कंस्ट्रक्शन, यू लीव द ऑप्शन, राइट, यू लीव द ऑप्शन। इफ यू आर नॉट डिटरमाइंड कि भाई कम रखना है या ज़्यादा रखना है तो आप ऑप्शन छोड़ दीजिए कि उतनी ही लाइट रखनी है, लेकिन यूज कम से कम हो तो ज़्यादा बेटर होगा, अच्छा रिफ्लेक्शन आएगा। और जो सलाह है उसकी कि इस जगह बोर्ड रखिए या इस जगह पॉइंट रखिए, एक बार इस चीज़ को आप अपने आप भी देखिए। और ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आपका किचन के अंदर है, बाकी सब जगह जो आपका इलेक्ट्रीशियन है जो फिटिंग करने वाला है वो कर देगा, लेकिन आपको सबसे ज़्यादा किचन पर फोकस करना है। किचन में वहाँ पर उसने क्या ओवन के लिए दिया हुआ है पावर पॉइंट, क्या उसने मिक्सी के लिए पावर पॉइंट दिया हुआ है, और जो दूसरे आइटम हैं आपके उनके लिए भी क्या ऑप्शन रखा हुआ है। तो 2-3 कम से कम पावर पॉइंट आप किचन में रखिए, आप यूज करें ना करें, और रेस्ट ऑफ दी जो स्मॉल पॉइंट हैं उनको आप रखेंगे ही रखेंगे, चाहे वो मिक्सी के लिए है चाहे दूसरे कोई भी लाइट आइटम है, तो उनके लिए आप रखेंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर जब फिटिंग करते हैं तो वो किचन का है, बाथरूम का या ड्राइंग रूम का या दूसरे जो रूम हैं उनके अंदर नॉर्मली सभी को पता होता है कि एक फैन का होगा, 4 लाइटें होंगी, साइड में ट्यूबलाइट का होगा, या नॉर्मल बल्ब के लिए भी होल्डर का रखते हैं ऑप्शन, ये नॉर्मल चीज़ है, या टीवी के लिए अलग से रखा हुआ है, कंप्यूटर के लिए भी आप चेक केयर टेक केयर कि भाई आपकी टेबल कहाँ होगी और उसके आसपास आपने प्रॉपरली जो बॉक्स है वो लगवा दिए। तो ये एक यहाँ पर मेरा पॉइंट है आप लोगों के साथ में, विच आई थिंक कि मे बी हेल्पफुल और यूजफुल आप लोगों के लिए। इफ़ यू हैव एनी मैसेज और एनी सजेशन यू जस्ट राइट इन द मैसेज बॉक्स, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस वीडियो। आप वीडियो सब्सक्राइब करिए और यहाँ पर, और इसमें आपको जो है अभी जो अपकमिंग वीडियोस हैं रिलेटेड टू द हाउस कंस्ट्रक्शन, एंड बीइंग ए टीचर आई अपलोड मैनी फिजिक्स वीडियो एंड सेल्फ हेल्प वीडियो, दैट विल बी यूजफुल। बहुत सारी सेल्फ हेल्प वीडियोस अवेलेबल हैं, बहुत सारे फिजिक्स के जो वीडियो लेक्चर हैं वो फ्रीली अवेलेबल हैं, आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।